हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरे रसोई। आज मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ चीज़ मैगी बन। इसकी रेसिपी बहुत इजी है और मैं इसका दो तरह बना के दिखाने वाली हूँ। एक इजी है, एक थोड़ा सा हो सकता है इजी ना हो। तो सबसे पहले आपको मैं इसका ये पहले वाले का बताने वाली हूँ। तो इसका इंग्रेडिएंट देखते हैं, फिर आपको मैं फुल रेसिपी बताऊँगी। और यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में तो एक कप पानी डालेंगे, एक नहीं 1.5 कप पानी डालेंगे, क्योंकि 2 पैकेट मैगी का मैं बनाने वाली हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा पानी रखेंगे। और फिर उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और ये पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा, तो फिर इसको 1 कप में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पानी हल्का गर्म हो गया है, तो अब इसको 1 कप में निकाल लिया। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी तेल डालेंगे और तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा, तो फिर 1 प्याज चॉप की हुई थी वो डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ये जब तक पिंक शेड ना हो जाए तब तक इसको फ्राई करेंगे। और फिर पिंक शेड हो गया तो उसमें कैप्सिकम डाल रहे हैं, शिमला मिर्च चॉप की हुई 1, और फिर उसके बाद इसको हल्का सा पकाएंगे। और फिर इसमें लाल हरी मिर्च डालेंगे, 3 हरी मिर्च चॉप की हुई ली थी। और फिर नमक इसमें हल्का सा डालेंगे, नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और फिर उसके बाद इसको पूरा मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 2 मैगी ली हुई हूँ, और 2 मैगी का जो 1 पैकेट मसाला है वो मसाला डालेंगे, 1 पैकेट रखे रहेंगे बाद में इसको डालने के लिए। और फिर पूरा यहाँ पे डाल दी हूँ और पूरा मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जो पानी गर्म की हुई थी, अब वो पानी इसमें डालना है थोड़ा सा, और फिर पकाना है, और इसको तेज़ आंच पे पकाना है। और पकाने के बाद फिर इसमें 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालना है, और फिर इसमें शेजवान चटनी 1 टेबल स्पून डालना है। अगर आपके पास शेजवान चटनी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और फिर इसको पूरा मिक्स कर देना है और इसको तेज़ ही आंच पे पकाना रहेगा। और फिर उसके बाद इसमें वेनेगर डालना है, वेनेगर 1 टेबल स्पून, और फिर जो थोड़ा सा पानी और रखा हुआ था फिर मैं उसको थोड़ा सा डाल के, और फिर उसमें मैगी डालनी है। मैगी 2 पैकेट ली हुई थी तो वो मैगी डालना है। और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के रख देना है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये पक गया है, तो अब इसको मैं खोल के हल्का सा इसमें पूरा मिक्स कर देना है। और फिर जो 1 पैकेट मैगी का मसाला रखा हुआ था फिर ऊपर से डालना है, और फिर पूरा मिक्स करना है। और इसको बंद करके पकाना है, और बंद करके फिर उसके बाद यहाँ पे पक गया है तेज़ आंच पे भी पकाना है, और फिर पूरा मिक्स करना है। और फिर उसके बाद ऊपर से शिमला मिर्च थोड़ी सी है, क्योंकि शिमला मिर्च पूरी गल गई थी तो इसको कच्चा कच्चा हल्का सा टेस्ट आएगा मुँह में, तो इसके वजह से ऊपर से फिर से शिमला मिर्च डालनी है। और फिर पूरा मिक्स कर देना। और यहाँ पर हो गया है तो अब इसके ऊपर से धनिया की पत्ती डालनी है, और फिर पूरा मिक्स करके एक बाउल में निकाल लेना ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे मैं निकाल ले रही हूँ। और फिर उसके बाद इसमें बन लेना है, आप बन कोई भी ले सकते हैं या पाव भी ले सकते हैं, या तो मेरे पास बन है तो मैं बन ले रही हूँ। और फिर ऊपर से इसको तो ऊपर से मैं उसका बन का वो निकाल ले रही हूँ। और फिर उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस है। पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। और फिर हल्का सा मैं उसमें तेल लगा रही हूँ, और फिर उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। और पिज़्ज़ा सॉस वो अच्छे तरीके से पूरा लगाना है कि उसका टेस्ट, मतलब कि इसे ब्रेड का टेस्ट ना आए, तो इसी तरह दोनों में कर लेना। फिर उसके बाद इसमें डालना है मैगी, फिर उसके बाद शेजवान चटनी डालनी है, इसी तरह दोनों में करना है। और फिर ऊपर से मैगी हल्की सी डालनी है, और फिर उसके बाद उसमें से ऊपर से चीज़ डालनी है। मेरे पास चीज़ स्लाइस की हुई चीज़ थी, मैं वो डाल रही हूँ। और फिर इसको एक उसमें रख के, मतलब कढ़ाई में रख के थोड़ा सा ढक देना कि इसका हीट थोड़ा अच्छे से हो जाए, तब उसमें बन डालना है। और इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ पकाया, और स्लो आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। और फिर यहाँ पे हो गया है तो अब मैं इसको निकाल के सर्व करने के लिए रखूँगी। और
फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ टेस्ट करके कि इसका टेस्ट कैसा है। वैसे भी इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी था, कि ये वाला थोड़ा सा हो सकता है इसमें थोड़ा ब्रेड ब्रेड आए, लेकिन जो सेकेंड वाला है उसकी रेसिपी तो वाओ बहुत यम्मी है। तो ये सेकेंड वाला है, इसकी रेसिपी मैं आपको ऐसी सेम है, वैसे कुछ है नहीं इसमें, बट हाँ मतलब कि इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं दो बन ली हुई हूँ, और बन को बीच से कट कर लेंगे इसी तरीके से पूरा कर लेना है। फिर उसके बाद ऊपर से पिज़्ज़ा सॉस लगाना है, पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास नहीं है तो टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद उस पर एक साइड मैगी रखनी है, और फिर उसके ऊपर से चॉप की हुई जो प्याज थी वो रखना है, और शिमला मिर्च भी रखनी है, ऊपर से धनिया की पत्ती ऊपर से डालनी है, और फिर उसके बाद चीज़ डालनी है। चीज़ को ऐसे अच्छे से चीज़ डालनी है, थोड़ा सा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डालनी रहती है। और फिर उसके बाद इसको ऊपर से रख देना है, और ये अगर आपको इसको सेकना भी है तो सेक सकते हैं, लेकिन मैं नहीं सेकी थी, वैसे भी मैं खा ली थी, इसका टेस्ट बहुत यम्मी था, ये पहले वाले से भी ज़्यादा ये वाला टेस्ट ज़्यादा यम्मी था। तो मैं आपको इसकी रेसिपी, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। Bye.